कार्यनिर्वहित भगत सिंह मूल तत्व के बहुत प्रेरणा छात्र युवा संघर्ष समिति वत कॉलेज आचरती गण ना भगत सिंह तत्व आदर्श ना पालने कॉलेज भागवती स्वागत आगे जाके आपको भी भगत सिंह अशफाकुल्ला खान बनना है। अगर आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर आप लोग ये बात को सीरियस नहीं सुनेंगे, अगर आप लोग इसको नहीं समझेंगे तो करेंगे कैसे। एक चीज अगर हम इसको पेन बोल के नहीं समझेंगे तो लिखेंगे कैसे। पहले हमको समझना है, उसके बाद हम उसके ऊपर जा सकते हैं। तो हम समझेंगे नहीं तो लिखेंगे क्या। इतिहास लिखना है आपको, बहुत कुछ करना है इसके अंदर। हो सकता है आप आईएएस बनोगे, हो सकता है आप आईपीएस बनोगे, हो सकता है आप पीएचडी बनोगे, हो सकता है आप कुछ भी बन सकते हैं। ये आपका स्टार बनाएगा, आपके नसीब बनाएंगे, आपके माँ बाप की दुआ बनाएगी, आपके दोस्तों का सपोर्ट बनाएगा, हो सकता है आपका टैलेंट भी बनाएगा। अशोक कुमार जी का रेस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छे है, लेकिन हमारे जो देश के लिए कुर्बान हुए, अंग्रेजों को भगाए, 23 साल की उम्र में उन्होंने फांसी पे चढ़ा, किसके लिए? हम लोग के लिए। लेकिन हम लोग को आज मालूम नहीं कि उनको उनका बर्थडे क्या है, तो हम बर्थडे को कैसे पहचानेंगे, आप बताइए। सब हमको उनका बर्थडे मालूम नहीं है। उन्होंने हमारे देश के लिए 23 ईयर्स के अंदर उन्होंने फांसी पे चढ़ा, अंग्रेजों के साथ लड़ा, उन्होंने शहीद का मर्तबा लिया, उन्होंने शहीद हुआ, वो हमारे लिए नहीं, हमारे देश के लिए नहीं, तो फिर किसके लिए किए? तो हमारी सोच पॉलिटिक्स नहीं करना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम ये सब नहीं करना है। हमको करना है तो ये हम है सब भाई भाई। हमको भगतुल्ला सिंह जी का बर्थडे नहीं मालूम है, हमारी एज 17 ईयर हुई है, तो हमको क्या मालूम है? तो हम सिर्फ एजुकेशन ले रहे हैं लेकिन एजुकेट नहीं हो रहे हैं। तो ये गलती मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है। तो मैं चाहता हूँ सुकुमार जी से कि उनका बर्थडे 27 सितंबर को 1907 को उनका बर्थडे हुआ, और उन्होंने 6 साल 3 महीने की उम्र से उन्होंने क्रांति लड़ने का शुरू किया। एक 6 साल 3 महीने के बच्चे को क्रांति क्या होती है, क्या आज के बच्चे को मालूम है? आज के बच्चे को तो उससे ज्यादा मालूम है, लेकिन वो आगे नहीं आना चाहता, ना वो आगे बढ़ता है, क्योंकि हम लोग उसको ऐसे मूवमेंट में लाए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि 6 साल 3 महीने के भगत सिंह ने क्रांति लड़ना शुरू किया, 23 साल की उम्र में उन्होंने फांसी को चढ़ा, उनको फांसी दिया और डेट किसी को मालूम है? हाथ उठाइए आप, किसी को मालूम है? 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दी गई, लेकिन आज हमारे बच्चों को ये अहम हमारी चीज है कि वो बच्चों को ये जनरेशन को मालूम होना है, इनको समझाना है, इनको बताना है, तो तब जाके वो समझेंगे और आगे जाके इन्हों में भगत सिंह अशफाकुल्ला खान बन सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि आज उनका बर्थडे हमने बना रहे हैं, कि आप लोग इस कार्यक्रम में श्री मेघराज जी, श्री शिव कुमार जी, श्री किरण राठौर जी, श्री शेखर सिंह जी, श्री जी, श्री भोगराज जी, ये हम सब मिलके इस कार्यक्रम को हमने बनाया है, क्योंकि इस कार्यक्रम बनाने की वजह ये तो एक कार्यक्रम एक मतलब है, लेकिन हमारा मकसद ये है कि आपको भगत सिंह बनना है, आपको अशफाकुल्ला खान बनना है, आपको क्रांतिकारी लड़ना है, आपको हमारे देश को समझना है। उनका जो सपना था वो पूरा ही नहीं हुआ। उन्होंने सोचा था कि अंग्रेज चले जाएंगे, बुरे आके बैठ जाएंगे, अभी भी वही हुआ है देश में। उसका जो परिणाम आज हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है ना, वो खराब। गरीब लोग गरीबी होते जा रहे हैं, अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। तो सही में एजुकेशन नहीं मिल रहा हमको जो मिलना चाहिए। हमारा जो मूल हक है वो लेने के लिए भगत सिंह ने स्टार्ट किया था मूवमेंट, इंडियन इंडिपेंडेंसी मूवमेंट में। हमारा भारत देश ने
आजादी की लड़ाई के लिए ब्रिटिश लोगों को बाहर निकालने के लिए बहुत सारे लोग शहीद हो गए, उसमें भगत सिंह भी एक नाम है। जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था 1990 अमृतसर में, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट वहां पे चला था कि जितने अपने शहीद जितने अपने आजादी की लड़ाई के लड़ रहे थे ब्रिटिश लोगों ने उनको अरेस्ट करके रख दिया था, नहीं छोड़ रहे थे वो लोगों। तो इंडियन जो वहां पे जलियांवाला बाग में जो एक प्रोटेस्ट चला था बहुत बड़ा, वहां पे जब भगत सिंह का उम्र खाली 6 साल था, हमारा आज उम्र कितना है सब लोगों का 16 से लेके 18 20 तक 25 तक है, लेकिन वो उस टाइम पे भगत सिंह का उम्र था और वयस केवल 8 वर्ष। उसमें कई हजार लोग हम लोगों को मार दिया गया जनरल डायर में। वो टाइम वो एक मोमेंट था कि हमारे जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे वो लोगों को जेल में उनको छुड़ाने के लिए जो मूवमेंट चल रहा था वह जलियांवाला बाग जो कांड हुआ है 1919, वो लोगों ने हजारों लोग मार दिया, 1200 लोगों को मतलब किसी के हाथ किसी के पैर, और 192 ऐसे इंजर्ड हो गए कि वो कभी भी मर सकते। नम विद्यार्थी संघटने यहाँ रीति हेगे अगर निम्ब प्रॉब्लम नम प्रॉब्लम ना स्टूडेंट सर ना यहाँवर्गे ये नम स्टूडेंट यूनियन जॉइन आगे कंपलसरी रेगुलर कॉलेज अथवा यहाँ स्कूल के होता है स्टूडेंट यूनियन यहाँ रीति प्रॉब्लम निम्न स्कॉलरशिप मत व्यार्थी मत बुक्स मत स्कूल लाइन स्कॉलरशिप को यार मेन मेन यार दौड़ दौड़ व्यक्ति फस्ट लाइन को और सर नम रिलेशन यहाँ रीति अंदर स्टूडेंट स्कॉलरशिप समस्या है मत कॉलेज एक्साम फीस क्लास नड़ीता एक्साम फीस तक कंपलसरी सर नहीं एक्साम फीस पटोरी अंतर डायरेक्ट आगे मत स्कूल ऑनलाइन क्लास रेगुलर स्कूल के बंद नम अर्थ आगे डेली नम लेक्चर्स इले फ्रेंड आगे हेल्ता नम्बर अर्थ आगे आ रीति आनलन आनलन ना नमू तपे ये तपे आनलो वाट्सअप मेसेज बंदते ना डायरेक्ट आनलन क्लोज मे अस्े आनल सर ना आनलन वाट्सअप मेसेज ना स्टार्ट।